केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। महिला कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के खिलाफ सर पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं महंगाई को लेकर नारेबाजी भी की है, स्मृति ईरानी वापस जाओ जैसे नारे भी लगाए हैं। महिला कांग्रेस ईरानी का पुरजोर विरोध कर रही है। महिला कांग्रेस का कहना है कि पूर्व में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब गैस पेट्रोल के दाम में थोड़ी भी बढ़ोतरी होती थी तो स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ जाया करती थी। जब उनकी सरकार आने के बाद महंगाई चरम पर है, भाजपा नेता चुप हैं। हम ऐसी महिला या मंत्रियों को मध्य प्रदेश में नहीं देखना चाहते हैं। जी आज आप देखिए, बिल्कुल जो स्मृति ईरानी आज भोपाल में आई है उसका महिला कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और ये महंगाई की वो देवी है कि ये सिर्फ इसको घर में बैठ के ही पूजा जा सकता है, इनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो इनने महंगाई आज रोडों पे निकाली है, जब कांग्रेस के समय महंगाई होती थी, अगर 5 पैसे भी बढ़ते थे, 10 रुपए भी बढ़ते थे किसी चीज पे, तो इनको महंगाई डाल लगने लगती थी। लेकिन आज महंगाई आसमान छू रही है तो वही महंगाई इनकी डालिंग लग रही है। सरकार आने से पहले जनता को गुमराह करते हैं कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये सरकार बनते से ही ये सरकार जो अपने आप में मदमस्त हो गई है। आज महंगाई की वजह से पूरी महिलाओं को अपना किचन संभालना मुश्किल पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। और हम ऐसी महिला का विरोध करते हैं, ऐसी मंत्री का विरोध करते हैं, और ऐसी महिला को हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो झूठे वादे करते हैं, जनता को गुमराह करती है। और जिनकी कांग्रेस के समय महंगाई डायन हो जाती है और भाजपा के समय डार्लिंग हो जाती है, तो ऐसी महिला का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और भोपाल में हम उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते आने के लिए।